स्टैचू सर्किल स्थित बिरला ऑडिटोरियम में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम व गेल इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में बायोफ्यूल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन का उद्घाटन करने पहुंचे प्रताप सिंह खचरियावास, परिवहन मंत्री। उन्होंने रिबिन काट कर एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। स्कूली बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में भी भाग लिया और चित्रों के जरिए से बायोफ्यूल की अहमियत बताई। IOC के कार्यवाहक निदेशक सुनील गर्ग ने बताया कि देश की इकोनॉमी एनर्जी पर काम पूरी निर्भर है और उनके लिए 85% आयात करना पड़ता है। बायोफ्यूल का मकसद आने वाली जनरेशन को बचाना और पर्यावरण को बचाव का काम कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी में प्रदूषण से बचाया जा सके। मुख्य अतिथि प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि बायोफ्यूल की शानदार शुरुआत है, इसके जरिए वातावरण शुद्ध रहेगा, प्रदूषण कम होगा और सबसे बेहतर चीज़ ये कि लोगों के कम बजट में अच्छा काम होगा, बजट भी कम रहेगा। इंदिरा जी और सरदार पटेल जी वो पावरफुल शख्सियत जिन्होंने देश को पहचान दी और आज़ादी के बाद आज आधुनिक भारत जो देखने को मिलता है वो उनकी देन है। और ऐसी आयरन लेडी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया और हमेशा हम सब के साथ एक ही नारा उन्होंने दिया, मैं रहूं नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। पंजाब से आतंकवाद ख़त्म हुआ और आज के दिन बायोफ्यूल को लेकर जो प्रदर्शनी लगी है ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। वक्त बायोफ्यूल का है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, इथेनॉल मिलाने के बाद, बायोडीजल मिलाने के बाद यदि पेट्रोल डीजल सस्ता मिल जाए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कंट्री हो चाहे स्टेट हो, सब कंट्री के अंदर में है, हम सब की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब मिलकर हम बायोफ्यूल की जो पॉलिसी है इसको जितना हम आगे बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ाना पड़ेगा। गहलोत सरकार की जो नीति नियत साफ है, हम केंद्र सरकार की ऐसी कोई वेलफेयर की स्कीम्स हैं जिससे जनता को फ़ायदा हो सकता है, डीजल और पेट्रोल बायोफ्यूल के जरिए यदि सस्ता मिल सकता है तो गहलोत सरकार ऐसी किसी भी पॉलिसी के लिए आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन केंद्र सरकार को आगे बढ़कर पहल करनी पड़ेगी और राज्यों को मजबूत करना पड़ेगा। रोडवेज के अंदर भी इसका उपयोग, रोडवेज के लिए तो मैंने कहा एक जल्दी मीटिंग, किस तरह से राहत ले सकते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर जयपुर में बायोफ्यूल प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, गेल और HPC, हम लोगों ने मिलकर, OMC ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के निर्देश पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस प्रदर्शनी का बेसिक उद्देश्य जो है, मूल उद्देश्य है कि हम लोग बायोफ्यूल को एज ए फ्यूल लोगों को कैसे समझा सकें और उनके अपने साथ कैसे जोड़ सकें। भारत सरकार का लगातार प्रयत्न है कि जो हमारी जो कंजम्पशन है फॉसिल फ्यूल्स की उनको कम किया जाए, हमारी जो इम्पोर्ट्स पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए, अपने को स्वावलंबी बनाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी का उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जाए और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उससे अपने आप को कैसे हेज किया जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए, उसका एक प्रयास है। हम लोगों के पास क्षमता है बायोफ्यूल बनाने की। बायोफ्यूल में दो तरह के फ्यूल हैं, एक आपका एथेनॉल है जो कि पेट्रोल में मिश्रित होता है, जिसके हम अपने टर्मिनल पर ही, प्लांट पर ही उसकी उसका मिलाकर हम पेट्रोल पंप पर भेजते हैं, और दूसरा है डीजल, बायोडीजल। बायोडीजल जो है वो फोर स्ट्रोक इंजन जो डीजल ट्रक होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, उसकी उसको भी वो मिलता है, उसका प्रोडक्शन जो होता है वो उसका हम बायोडीजल कह के और मिश्रण कर ही उसको हम डीजल में मिलाकर भेजते हैं। आज की डेट में जो ईंधन उपलब्ध हैं वो भारत 6 कैटेगरी के ईंधन उपलब्ध हैं जिसमें कि पॉल्यूशन कम से कम हो, ऐसा प्रयास रहा है और भारत विश्व में अग्रणी देशों में से एक है जिसने कि BS6 भारत 6 के फ्यूल जो बनाए हैं और उसमें एथेनॉल की मिक्सिंग से उससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसका ऑक्टेन रेटिंग इंप्रूव होता है और उसकी जो गुणवत्ता में निरंतर लगातार सुधार की जो हमारी एक प्रयास है उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये आने से बायोफ्यूल लोकली, एथेनॉल लोकली प्रोड्यूस होता है। 3 तरह का हमारे पास एथेनॉल है, 1G कैटेगरी, 2G और 3G, ये 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन। 1st जनरेशन का जो एथेनॉल है वो शुगर गन्ने से बनता है, 2nd जनरेशन का जो बायोफ्यूल है एथेनॉल है वो बनता है हमारे जो मक्का है और जो खाद्यान्न सड़ा हुआ खाद्यान्न है उससे हम बना सकते हैं, और 3rd जनरेशन का बनेगा हमारे पास रिफाइनरी में फ्ल्यू गैसेज होती हैं, वो एक लेंजाटेक वर्ल्ड की एक कंपनी है, अग्रणी कंपनी है, उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन ऑयल का, उसको हम ताकि हम बायोफ्यूल एथेनॉल बनाने में कम से कम एनर्जी लगाकर और कम से कम पानी लगाकर उसको बना सकें।